देश की स्वतंत्रता के लिए जो महात्मा गांधी दशकों तक संघर्ष करते रहे, वो देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को कहां गायब थे? वे आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए और उस ऐतिहासिक दिन वे एकांत में कहां पहुंचे हुए थे? क्या इस स्वतंत्रता से वे खुश नहीं थे, या स्वतंत्रता की जो असीम खुशी होनी चाहिए थी उसमें किसी तरह के विघ्न से वे उस दिन व्यथित थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे। सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, तो आजादी का वो जश्न कई जख्मों से सिहर उठा था। इस आजादी के साथ हुआ बंटवारा और भड़के वो हिंदू मुस्लिम दंगे, जिनकी चीखें सरहद पार नए मुल्क के तौर पर अस्तित्व में आए पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही थी, और इधर भारत में भी, जहां हिंदुओं के शवों से रक्त रंजित ट्रेनें पाकिस्तान से लगातार भारत पहुंच रही थी। पाकिस्तान से हिंदुओं को आतताई तलवार की धार के भय से भारत की ओर भगा रहे थे। भारत का दायां बाजू कट चुका था और वो पाकिस्तान बन चुका था। एक तरफ जहां देश के पश्चिमी भाग में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे, वहीं दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, आजादी के समय वो भी पाकिस्तान के ही कब्जे में था और वहां भी हिंदू मुस्लिम दंगों की आग जल रही थी। इस तरह से सदियों की दास्तां के बाद मिली आजादी पर गम के बादल मंडरा रहे थे। महात्मा गांधी इस बात से बेहद व्यथित थे। 15 अगस्त 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी नोआखली में थे, जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। वहां वे हिंदू मुस्लिम के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए थे। देश की आजादी से 6 दिन पहले यानी 9 अगस्त 1947 को वे दिल्ली से कोलकाता पहुंचे थे और वहां मुस्लिमों की बस्तियों में लगी हिंसा की आग को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने खून खराबा रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अनशन और भूख हड़ताल की शुरुआत की। उन्हें आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली से न्योता भी आया था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के जश्न में शामिल न होने का फैसला लिया। गांधी जी ने सोचा कि उन्हें इस दंगे की आग को हर हालत में रोकना ही होगा, वरना ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगी। भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी के अहम योगदान की चर्चा करते हुए उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संयुक्त पत्र लिखकर आजादी के जश्न में शामिल होने की गुजारिश की थी। हालांकि महात्मा गांधी ने उन्हें ये बताया कि उनके लिए देश में शांति स्थापित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वे इस जश्न में शामिल नहीं हो सकते। वे सबसे पहले देश में लगी सांप्रदायिक आग को शांत करेंगे, उसके बाद ही किसी तरह के जलसे या कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी वजह से स्वतंत्रता के वक्त की किसी भी तस्वीर में महात्मा गांधी दिखाई नहीं देते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।